उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में लगातार हो रही वर्षा का असर अब उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में देखने को मिल रहा है। आज हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के जगतपुरा क्षेत्र में। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं ये नजारा। ये जगतपुरा क्षेत्र का नजारा है जहां आप देख सकते हैं कि कल्याणी नदी के उफान पे आने के बाद से लगातार जो है यहाँ पे जल स्तर बढ़ता जा रहा है और यहाँ जो घर है घर डूब चुके हैं। कई घरों का नजारा आप देख सकते हैं कि सामने लोग अपने घर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के पानी से ही निकल के एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। आपकी निगाहें जहां तक जाएंगी वहां तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और कुछ लोग आप देख सकते हैं कि अपनी छतों पर खड़े हुए हैं। जिनका दो मंजिला है वो अपनी छतों पर खड़े हुए हैं जबकि जिनका एक मंजिला है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं इस घर को, इस घर के जो मालिक हैं ताला लगा के बरसात का पानी भरने के बाद से जो है कि अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। इसी तरह आपकी निगाहें जहां तक जाएंगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। इसके साथ चलिए कुछ घरों में भी जाएंगे और घरों का नजारा जो अंदर का नजारा है वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ये देख सकते हैं ये घर में भी पानी है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि घर के अंदर की स्थिति भी दिखाएं कि घर में जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी चारों तरफ पानी भरा हुआ है और पानी की स्थिति ऐसी है कि घर के सभी कमरों में पानी ही पानी है। घर जो है तालाब में तब्दील हो चुका है और आप ये देख सकते हैं आपकी निगाहें जिस कमरे में जाएंगी उस कमरे में नजारा आपको ऐसा ही दिखाई देगा। सभी जगह आपको तालाब नजर आएगा। ये कमरे का आप देख सकते हैं कि बेडरूम है इनका, बेडरूम के नीचे जिस तरह से पानी लगा हुआ है और अभी कुछ समय से पानी का स्तर गिर रहा है लेकिन बावजूद इसके अभी भी घरों में पानी लगा हुआ है और कुछ घरों में इससे भी खराब स्थिति है और कुछ घरों में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जो घर का जो सामान है वो भी काफी खराब हो चुका है। इसके साथ ही मैं अन्य कमरों को कहूंगा कि दिखाएं अपने कैमरामैन से कि किस तरह से लोगों को बरसात का पानी बढ़ने के बाद से जिस तरह से कल्याणी नदी उफान पे आई है, उफान पे आने के बाद से लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। और चलिए कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। और यहाँ कुछ समाज सेवी और कुछ राजनीतिक दल के लोग भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और जो भी मदद हो रही है अपने अपने स्तर से मदद पहुंचा रहे हैं। चलिए उन लोगों से भी बातचीत हम करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे की तरफ करें और ये जो घर में किराएदार रहते हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह की दिक्कतें आ रही है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस घर के जो किराएदार हैं और मकान मालिक हैं उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि नदी का जल स्तर कब बढ़ा था और किस तरह की दिक्कतें इन लोगों के सामने आई हैं और क्या कहना है इनका। क्या नाम है आपका? नवीन सिंह। नवीन जी ये बताइए कि नदी का जल स्तर कब बढ़ गया था और कब आपके घर में पानी पहुंचा था, कब आपको जानकारी लगी? रात में 9:15 बजे करीब से बारिश स्टार्ट हुई है और 10 बजे करीब हम सो गए थे। हम अपनी मोटरसाइकिलें सारी चीजें इसमें खड़ी करके सोए थे, हमें पता नहीं था। हमारी आकस्मिक नींद खुली है 3 बजे के आसपास। 3 बजे जब हमारी नींद खुली हमने देखा हमारी मोटरें डूब गई हैं, नीचे जो हमारे सामान पड़े थे वो सारे भींग गए हैं, बेड हमारा आधा गीला था, बेड पूरा हमारा डूबा हुआ था आधा, मोटरसाइकिलें जो हमारी खड़ी थी उनके साइलेंसरों में पानी घुस गया था। 3 बजे करीब हमने अपनी मोटरसाइकिलें निकाल करके ऊपर जहां पर पानी का भराव नहीं है वहां पर ले जाकर के मोटरसाइकिलें खड़ी करी हैं। बाकी जो नुकसान है वो आपने अंदर एक बार निरीक्षण भी कराया है, आपके कैमरामैन ने दिखाया है, तो स्थिति वही है जो आपने देखा है। बुरी स्थिति थी रात के 3 बजे आकस्मिक हमारी नींद अगर उस समय नहीं खुलती तो उसके बाद और भी भयावह स्थिति होती। 3 बजे से हम स्थिति को समझ करके अपने सामान को ऊपर करने में और सारी चीजों को सुचारू रूप से लाने के लिए लग गए हैं तो थोड़ी स्थिति हमारे काबू में है। अदरवाइज हम अगर सोए रह जाते तो रामजने की स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान अब यही है हमारी मोटरसाइकिलों के साइलेंसरों में पानी घुस गया, ये हमारे मोटर जो है ये हमारी भींग गई है, मोटर हमारी गीली हो गई है, जो हमारे नीचे सामान वामान पड़े थे वो सारे भींग गए हैं, कुछ कपड़े लाते थे वो भींग गए हैं, फ्रिज था हमारा फ्रिज के अंदर पानी घुस गया है, कूलर के अंदर पानी घुस गया है। इस टाइप की जो चीजें थी जो जमीन पर थी वो चीजें थी। हमारे बड़े भैया हैं, हमारे बड़े भैया हैं संजय भैया, सुबह से पूरा जायजा ले रहे हैं, हमारे सुख दुख के साथ ही हमारे साथ आकर के खड़े हैं और इन्होंने हमें भरोसा दिलाया है जिस तरह का प्रशासन से अगर कुछ हमारे को इसका हर जाना उड़ जाना कुछ हमारे को अगर मुहैया हो सकता है तो वो भी कराएंगे। खाने पीने की सुविधा के लिए हमारे भैया ने हमें आसरा दिया है और लगे हुए हैं हमारे साथ सुबह से, बाकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रपुर के समाज सेवी संजय ठुकराल जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि कब इनको जानकारी लगी और कब से यहाँ पे डटे हुए हैं। संजय जी ये बताइए कि कल रात कल्याणी कब उफान पे आई, कब आपको पता लगा कि कल्याणी के कारण जो जगतपुरा और आसपास का क्षेत्र डूबा है, कौन कौन सा क्षेत्र डूबा है? कल रात से मैं 2 बजे तक तो मैं पहले मैं ट्रांजिट कैंप और संजय नगर वाला सारा एरिया देखा, फिर सुबह हम 6:30-7 बजे से हम निकले हुए हैं। संजय नगर खेड़ा
पूरा डूबावड़ा यहाँ तक पानी है, पीछे जो गन्ना भवन के पीछे का इलाका है। और उसके बाद मैं चला गया फुलसंगा डैम, तीन पानी डैम की तरफ चला गया था। तीन पानी डैम पे जो है वहां पे रफ्तार से पानी आ रहा है, पंतनगर यूनिवर्सिटी की तरफ जो नदी है उधर से पानी, कल्याणी नदी का, बैगुल नदी का पानी, और कई मकान डूबे पड़े हैं। और मैं यहाँ पे दो तीन घंटे मेरे को यहाँ भी हो गए हैं जगतपुरा में। यहाँ देखिए क्या हाल है, देखिए आप देखिए किस नदी से पानी गलियां चीरता हुआ अंदर आ रहा है पानी। और ये तो अभी छोटा इनका घर देखा आपने, और आगे देखो पूरे घर डूबे पड़े हैं, पूरे घर डूबे पड़े हैं, और लोगों को कई लाखों का नुकसान हो गया है इसका। यानी कि इनको हर्जाना देना चाहिए सरकार को, ये लोग बहुत गरीब मध्यम परिवार के नौकरी करने वाले लोग हैं। और इनको देखो देखो अब आप देखिए साइकिल डूबी पड़ी है, वो आदमी यहाँ डूबता हुआ जा रहा है, इतना पानी है। प्रशासन की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि हमने बरसात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है, बावजूद इसके इस तरह की स्थिति जो बनती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं मानता हूँ नगर निगम की टीम पूरी लगी थी बाजार में, उन्होंने अग्रसेन चौक और जो बाजार का नाला साफ करने से इतना है कि बाजार के दुकानदार बच गए, वहाँ पानी नहीं रुका, वहाँ पानी बिल्कुल साफ है, वहाँ ठीक है। लगे हुए नगर निगम के MLA साहब नरेश दुर्गापाल जी जगह जगह सुबह से ही लगे हैं, मैं कई कई बार मेरी मुलाकात उनसे हो गई और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मगर मैं क्या चाहता हूँ, ये जब ये पानी आ गया है ये तो किसी के बस में नहीं है, बारिश आई है और ये नुकसान जो इनको नवीन भाई का घर डूबा पड़ा आपने देखा, इससे आगे भी हमारे कई जानने वाले हैं उनका पूरा घर डूबा पड़ा है। यहाँ पानी कम है, आगे पानी ज्यादा है, हमारी गलियां हैं पतली पतली, इन गलियों ये तो मकान ये है। तो अच्छा हुआ रात 9:30 बजे बारिश आई, अगर रात को 12 बजे बाद बारिश आती तो कई डूब जाते, कई जानवर जल जाते, जैसे पहले हुआ था ना कि कई जानवर मर गए थे। इस बार रात कौन कौन सा क्षेत्र है रुद्रपुर का जिसको नुकसान पहुंचा है? नुकसान मेन तो जगतपुरा का सबसे ज्यादा भारी नुकसान है, उधर संजय नगर खेड़ा कुछ ट्रांजिट कैंप का क्षेत्र है उधर नुकसान हुआ है। तीन पानी डैम के पास जितनी कॉलोनियां हैं, तीन पानी डैम का जो पानी है मैं सुबह गया था वहां पे देख के आया, बड़ी रफ्तार से पानी आ रहा है, वहां काफी नुकसान है और बड़ी बड़ी कॉलोनियां डूबी पड़ी है पानी में। और इधर आप किच्छा बाईपास रोड पे चल जाओ, नेक्सा शोरूम जहाँ पे है, मारुति का शोरूम है, पूरे वो लोग डूबे पड़े हैं। शुक्ला जी जो पूर्व विधायक है उनके घर के अंदर पानी उनके घर तक गया हुआ पानी। अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ पे जिस तरह से कुछ घरों में ताले दिखाई दे रहे हैं, क्या ये लोग घर छोड़ के जा चुके हैं? नहीं, इनका इनके रुकने की व्यवस्था ये सामने मंदिर में और कुछ स्कूल में कुछ लोग रुके हुए हैं, इन लोगों को यहाँ से सबको वहाँ पे स्थानांतरण कर दिया है। कितने परिवारों को छुट्टी किया गया यहाँ से? कितने परिवार नवीन गए होंगे इधर से? यहाँ से कम 100 से 150 परिवार गए हैं, 150 परिवार करीब चले गए। अभी जो आपको यहाँ पर ये सीधी गली दिखाई है, कहूंगा कि दिखाएं, ये जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। और ये लगातार जो है पानी के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का सामान भी काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये कल्याणी नदी है, इसके इस गली के ठीक पार कल्याणी नदी है, और कल्याणी नदी का पानी जो है बहुत ही तेज वेग से इन गलियों में आ रहा है, जिसके कारण इन लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ के जाने को मजबूर है। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है और किस तरह की दिक्कतें उन लोगों के सामने आ रही हैं। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। पानी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रुद्रपुर के जिला मुख्यालय के कई क्षेत्रों में जिस तरह से पानी भरा है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश जी, ये बताइए कि पानी की स्थिति लगातार यहाँ पे खराब होती जा रही है, जगतपुरा क्षेत्र में कई जगह पे पानी लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हम लोगों को घरों में पानी है, यहाँ खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है, प्रशासन को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं। प्रशासन अनुरोध है कि यहाँ जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उनको मदद की जाए, सबसे पहले तो पानी की टैंकर लगवाया जाए चौराहे से। अच्छा, कब आपको पता लगा कि आपके घर में जल भरा हो गया है? 2:35 रात में। कितना पानी भरा था? कम से कम 4 फीट। कब पानी कम हुआ? अभी कम हो रहा था। और किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आई, कौन कौन सा नुकसान हुआ आपका? कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ है, राशन पता ही थोड़ा गल गया है। तो आपने सुना कि स्थानीय लोग थे जगतपुरा के, जिन्होंने कहा कि कुछ जगह पे ज्यादा नुकसान हुआ, कुछ जगह पे कम नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं जगतपुरा में इस तरह की स्थिति है, जहां भी आप देखेंगे पानी ही पानी है। कुछ लोगों को अपनी जान को जोखिम में डाल के अपना जो जरूरी सामान है वो लेके जा रहे हैं पानी में, और इसके साथ ही लगातार जो है पानी का बहाव के कारण लोग घर छोड़ के भी कई लोग जा चुके हैं और कई लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगतपुरा के साथ साथ रुद्रपुर के अन्य क्षेत्रों में भी लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।